क्यों ने डॉक्टर नाल कोई गल की या फैदा दी की गल हुई है दसो तो सही। डॉक्टर ने उसनु समझाया कि ज्यादा दवाइयां नहीं लेनिया, चक्करां दी दवाई ना ते थकेवें दी दवाई ना बच्चे दी सेहत ते असर पैंदा, जे मेरे बच्चे नु कुछ हो गया ना मैं सुरी नु जानो मार देना। हाँ मैं मानती हूँ कि ऐदा दी कंडीशन च कुछ दवाइयां नहीं खानियां चाहिए, पर जे डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखिया ने तब ओदा कुछ रीजन होगा ना, ऐदा बिना मतलब तो डॉक्टर क्यों दवाई लिखोगा। डॉक्टर ने दवाई नहीं लिखी, डॉक्टर तो तक के ना दवाई लिखाई गई है समझ लो। जे ऐदा दी गल है तब तुसी फिकर ना करो ते मेरे ते भरोसा रखो, मैं सबरीन नु कोई भी गलत दवाई नहीं लैन देंदी। महेंद्र तू हम चले तो कितने अपन कट्ठे थे कोई देखना लगे, प्लीज मेरे बच्चे नु बचा लो। सच ते बच्चा ओ बच्चे दी छड़ो अजी तो ओदा नहीं कुछ शब्दा पता, डॉक्टर कहंदा पता नहीं बचू के नहीं, ओदी जान नू खतरा ही बहुत है। ओ तो बहुत माड़ी होई, अब थानू उस दवाई दा नाम पता है सोरे वीरे? दवाई दा नाम दस्या सी, पता नहीं किसी मेरे दिमाग चो निकल गया, मेनू काली बहुत है मैं चलता। हाँ याद आया कुछ पारसिटो बिस्मोल कुछ एमएल का ही नाम सी। पेप्टो बिस्मोल? हाँ हाँ एहो जी कुछ नाम सी। मैनू बहुत काली है मैं चलना। हाँ ध्यान बीबी जी थोड़े लिए दुध ये तो वही दवाई है चठानी जी, पर डॉक्टर ने मैनू इतना किदा दे दी, मैनू लगता है कि सानू डॉक्टर बदल लेना चाहिए, किसी होर चंगे डॉक्टर नू दिखाने आप। हाँ तो सही क्या, पर कोई गल असि किसी वधिया हस्पताल दे विच दिखावांगे। ओ पर तेनू की होया तू क्यों खानी सी दवाई? हां जी मैं ठीक हाँ, एदी भी कोई गल नहीं है। पापा जी ए मेरे मासी जी ने पटियाले आले हरजीत मासी जी। ओ हेलो बाजवा साहब तुसी इन्नी जल्दी भूल गए कुड़मणी नू, याद नहीं है?
अजूनी दे व्याह विच नचदिया नचदिया मेरा तो पैर ही मिद दिता सी। हां जी हां हां थानू किदा याद होना है कह दियो हाथ दी पीटी च मिद गया होना है। हां जी हां जी आ गए जी याद। हां सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ओ हेलो तुसी तो कुछ खादा पीता भी नहीं सी तुसी किदा भूल सकते हो याद नहीं है मार सीटियां मित्रा ते सीटियां मार मार अपा दूसरे किन्ना नचे सी। पर बड़ी माड़ी कीती रब ने जशन पुत दे नाल। जशन नाल ता माड़ी हुई है जी साडे सारे नाल भी बहुत माड़ी हुई है। पहला मां नू बुला लिया फिर पुत नू बुला लिया। जशन का बहुत प्यार सीखा जी अपनी मां नाल। ओ हेलो आ रब जी दा चंगा काम है इतने सारे सैड बैठे ने उत्थे मां पुत्र दोनों पक्का पार्टियां करदे होने ते उन्हां दी पार्टी खराब नहीं करनी असी रो के सुनिया किसी ने भी नहीं रोना हुण। आजा सवीर चंगा होया तू आ गई इन्हां नूं मिल इन्हूं रली दे मासी जी ने ना पुत तू मां बनन वाली है झुकना नहीं तू तो मेरे गले ला जी अंदर आ बैठ मेरे कोल तुसी शायद जशन जी दी गल करदे पए सी ना हुने बड़ा कहर किता रब ने तेरे नाल पर घबरान दी गल नहीं है पुत्र तेरी हरजीत मासी है ना तेरे नाल हुना मासी दे मुंह नूं फिर रोना धोना ना पै जावे किते। मासी जी तुसी तां बड़े लंबे सफर तो आए हो पहला थोड़ी देर आराम करो ते फ्रेश भी हो जाओ चलो मैं थोनू लैके चलती हूं। हां ले जाए नू ये तो पहला कि मैनू होर ड्रामा करना पवे जान छुड़ा मेरी। हां थक ते मैं भी गई हां चलो। ओ हेलो किसी ने किते भी नहीं जाना मैं हुणे आई अपनी बैटरी चार्ज कर मिलदे आ छोटे जे ब्रेक तो बाद। चलो मासी जी आ जाओ मासी जी इधर। तुसी मेरे कहने ते इन्नी काली काली पटियाले तो आए लै एदे च केड़ी गल है लोड़ पैण ते जद अपना ही अपने दे काम ना आवे तो फायदा की। ओ मासी जी तुम सारा कुछ पता ना तैयार हो ना तुसी। ओ हेलो तू मैनु समझदा की है कॉलेज टाइम ते मैं थर्ड प्राइज जीतिया सी एक्टिंग च तू पोला भी फिकर ना कर। वैसे ओदा एक नमूना तो असी बाहर वेख ही लिया है बहुत चंगा ड्रामा किता तुसी किसी नूं शक ही नहीं होया कि तुसी व्याह च आए नहीं सबनूं तो यही लग्या कि तुसी सच्ची व्याह च आए हो ते सबनूं मिले भी हो। अही ते कमाल है तेरे मासी दा मैं बस एक ही गल कहनी हुंदी है। ओ हेलो गल सुन उस तो बाद बंदा आप ही मेरी गल्लां च आ जांदा है। बस फिर तुसी ना अज रात नूं चार पांच बारी ओ हेलो अबदा कह दियो थोड़े ड्रामे दे नाल असीं सवरीन दा ड्रामा खत्म करना है। तू टेंशन ना ले तेरा काम हो जाए। तो चंगा मासी जी हुण तुसी आराम करो फिर आपां डिनर टेबल ते मिलते हैं। चंगा आजो तुहानूं गेस्ट रूम भी दिखा देना। डिनर दा तां मजा ही आ गया अजूनी पुत सच्ची खाना बहुत ही स्वाद बनिया सी। चंगा जी सवेरे मिलते हैं। तुसी किथे चले कल तो मैं सवेरे ही चले जाना है बस एक रात वास्ते तो मैं इत्थे आई हां ते आज मैं किसी नु भी छेती सोण नहीं देना थोड़ी कुड़मणी आई है आज तो रौनक लगेगी।
ओ हेलो जोरे पुत, तेरा की ख्याल है? मेरा ख्याल तो थोड़े नाली है जी, बस तुसी हुकम करो करना की है, आपा तैयार हैं जी। करना की है? कठे बैके गप्पा मारेंगे, रोना गप्पे लग जो। क्यों बाजवा साहब, की ख्याल है थोड़ा? मैनू नींद आंदी पई है, ते मासी जगराता करवाउण नू फिरदी है सारिया दा। सो जा मासी चुप करके, ते तड़के निकल जावी इथों। ठीक है जी, जिद्दां तुहाडी मर्जी। ठीक है जी, फिर मैं करदा सारा प्रबंध। शिंदे अब चक सारा समान इथे। हां जी हां जी। हमने दूजे व्याह दी गल कित्थों आ गई विचों? हमने केड़ी नवी स्कीम है इस मास्टर नी दी? तुसी सारे प्लीज चले जाओ इथों, मैं किसी नाल कोई गल नहीं करनी। सफरीन असी तेरे नाल कोई गल नहीं करनी, मैं तो बस तेरे तो माफी मांगना चाहनी हूं कि मेरी किसी भी गल ना तेरे दिल नू ठेस पहुंची होवे, तो प्लीज मैनू माफ कर दी। सफरीन पुत्र जी, कदे कदे घर दे दो जीआं दे विच गलतफहमी हो जाती है, पर परिवार दे विच जिन्नी छेती हो सके गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए है। हाले फिर थोड़े दूजे विआह दी गल तां अजूनी पुत्र जी ते मासी जी ने की थी सी ना। अजूनी पुत्र जी ने तो सिर्फ मेरी राय पुछी सी। मैनू पता पुत्र जी, तुहानू इस गल का बहुत बुरा लग्या, तुहाडा दिल भी दुखिया। पुत्र जी, जे तुहानू लगता तां अजूनी पुत्र जी की जगह मैं तुहाडे कोल माफी मांग लैंदा। इदां ना करो पापा जी, मैनू पता है कि तुसी सारे मेरा भला ही चाहुंदे हो, पर रब दे वास्ते दोबारा इस घर विच कदे गल ना करियो। साडे स्कूल वालों तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां मैं कि तुसी सारिआं ने इस दिन नूं एक इतिहासिक छुट्टी नहीं मन्निआ, सगों अपना फर्ज पहचानदे हो इस कौमी झंडे नूं सत्कार देण वास्ते ते माण देण वास्ते उहनूं लहराउण वास्ते तुसी सारे इत्थे इकट्ठे हो। मैनूं बहुत खुशी है इस गल दी कि तुसी सारे इस इतिहासिक दिन दा महत्व समझदे हो। बस लोड़ सानू सिर्फ इन्नी की है कि असी इस दिन नू एक इतिहासिक छुट्टी ना मानते हुए, एक इतिहासिक दिन ना मानते हुए, सगो अपनी रोजमर्रा दी जिंदगी विच भी अपना ते इस इतिहासिक दिन दा महत्व समझते हुए अपने फर्ज निभांदे रहिए।
उन्हां सूरमियां दा योगदान कदे ना भुलीए जिन्हां ने साडी आजादी लई अपना आप वार दिता। अज के दिन तो सानू यह सीखना चाहिए कि आजादी सिर्फ साडा हक नहीं है सगो साडे लिए एक मौका है कि असी सही नू सही ते गलत नू गलत कह सकी। बच्चों नू भी हमेशा चंगे गुण सिखाओ, हक सच की लड़ाई सिखाओ ते अपने बच्चों दे सुपनियां दी उडारियां नू हमेशा उचाइयां ते लेके जाओ ते हमेशा उन्हां दा साथ दो। कदे भी रोको ना उन्हां नू। साडे स्टूडेंट्स इस आजादी दिवस के मौके ते अपने प्यारे प्यारे सभ्याचारक प्रोग्राम पेश करते हैं, पर उन्हें बच्चों भी यह सीखने की लोड़ है कि यह सिर्फ सभ्याचारिक ही सी, यह सिर्फ एक राष्ट्रीय गीत ही सी जिन्हें सारे देशभक्तों एक परिवार बना दिता। पर इस तो इलावा बच्चों लिए आजादी भी बहुत जरूरी है। आजादी नाल खुल के सीखने की भी बहुत लोड़ है उन्हें, पर वो तो ही सीख पाएंगे ना जे वो गलतियां करेंगे। अपने बच्चों नू सिखाओ भी पर गलतियां भी करन दियो। जय हिंद। पर ए ल्यांदी कित्थो है? रोपड़ विच ता मिलदी नहीं है। चंडीगढ़ों लेके आए जी। 40 किलोमीटर दा सफर सिर्फ एक आइसक्रीम लई? हां जी, आइसक्रीम लई नहीं, आइसक्रीम्स लई। और भी है अपने को। थानू मेरी गल याद रही ते तुसी चंडीगढ़ चले गए मेरी गल पुगाउन लई। तेरे करके नहीं गया, अपने बच्चे करके गया सी। हां जी, मेनू काम सी चंडीगढ़, इसलिए मैं गया सी। लगदा ता नहीं कि कोई काम हो तेनू उथे, मेरे लई इन्ना कुछ, शाबाश। अब पर उस दिन ता मैं कुल्फी खा लई सी, दिल ता मेरा उस दिन करदा पिया सी, हुन ता मैं गोलगप्पे खाने। अब पर जे तुसी ले आई हो ता खा लेनी आ। थैंक यू, तुसी मेरी मेहनत ऐदा ही नहीं जान दित्ती। नाले मैं तेरे लिए थोड़ा लेके आया, अपने बच्चे लिए लेके आया। आ गड्डी दा गड्डा क्यों बनाया पिया है? तोड़ लो इनू। रोड थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए हौली जाना पैना है। जे तेज तोरूंगा ता तुहानू हुजुके लगणगे। कुछ नहीं हुंदा मैनू, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। गड्डी दी हालत बहुत ही चंगी नहीं है, जे इन्हें जवाब देता ता इत्थी फस जांगे, इसलिए हौली तोर रहे हो। पर जे गड्डी इन्नी तेज चलनी है फिर ता मैं बोर हो जाऊंगी, नींद ही आने लग पैनी है मैनू ता। बस यही रोड खराब है, अगे रोड साफ है, उत्थे आपां तेज चलांगे। हुन बनी गल, मंत्री साहब दी वोट ता हो गई पक्की मेरे खाते विच, ते फिर उथे मैं कहूंगी। सवरी, तेनू ऐसे गल दा डर है ना कि ये जवाक भाजपा परिवार तो दूर ना जावे? हां जी जानी जी, मैनू बस इसे गल दा फिकर है। ते जे ऐसे कोई ऐता दा मुंडा लभदी है जेड़ा तेरे नाल ब्याह करा के इत्थे रवे, फिर की मतलब है थोड़ा? देखो पापा जी, जे असी सबरीन ले कोई ऐता दा मुंडा लभदी जेड़ा साडे नाल पाशवा परिवार दा जी बन के रहे, ए भी तो हो सकदा है ना? ले दस, हुण असी घर जो ही लभांगे। क्यों बुआ जी, एदे विच गलत भी की है? ए तां रीत है ना कि कुड़ी मुंडे दा घर व्याह के जांदी, ता मुंडा कुड़ी दे घर क्यों नहीं आ सकता व्याह करा के? साडे लई ता ए होर भी चंगा है ना कि जे सबरीन इत्थे रवे ते नाले पाशवा परिवार दा जेठा जवाक भी, जशन पाची दा जवाक भी, ते नाले साडे नाल इक होर नवा जी भी रहेगा। मैनू जूनी पुत्र जी दी गल बिलकुल सही लग रही, सानू एह जे किसी मुंडे की तलाश करनी चाहती है। सवरीन पुत्र जी, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ। ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸੁਨੱਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਥੋੜੀ ਸੋਚੋਗੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਮਨਦੀਪ ਬੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇਹਨਾਂ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਾਈ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਹੀ ਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਭੂਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਪੁੱਤ। ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਫਿਰ। ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਕਾਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੀ ਮੈਂ ਫਸਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸਵਰੀਨ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ? ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਸਵਰੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਸਵਰੀਨ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡਾ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਵਰੀਨ ਨਾਲੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਸਵਰੀਨ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਸਵਰੀਨ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
जे मेरी पसंद नाल जिंदगी चलती होंगी तो अज जशन जी मेरे नाल होंगे पापा जी, पर जिंदगी थोड़ी मर्जी नाल ना तो नहीं चलती ना। थानू जो भी पसंद हो बस ये समझ लो कि वही मेरी पसंद होगी। वैसे हुंडा तो मैनू पहली नजर च ही पसंद आ गया, बाकी वाहेगुरु जी की मर्जी, आप सारे गुरुद्वारे चल के आवांगे। हाँ सवरीन की बनिया? बनना की है, चल गई अपनी स्कीम। तो जो तुहानू तुहाडी पसंद का जीवन साथी मिल चुका तो तुसी ओहदे नाल व्याह कर लूंगे। ठीक उसे दिन मैं तुहाडे जवाक के नाम अपनी सारी जमीन जायदाद लवा लूंगा। शुक्र है बन गई गल, मैनू तो यही डर सी कि अपनी स्कीम चलू जा नहीं। हां जी मम्मी जी, तीर तो नहीं सी मारिया तो तुक्का ही सी, पर लग्या एंड टिकाने ते। बस हुण बाकी सारा कुछ आपे हो जाओ पानी वांग। ठीक है मम्मी हुण अग्गे सुनो, करना की है ओ तो मैं सोच लिया है, पूरी स्कीम बना ली है मैं। दस फिर करना की है? ओ मास्टर नी बहुत ही स्याणी बनती है ना, मेरे साथी उत्ते मेरी प्रोफाइल बनाई सी ना उन्हें। हुण रिश्ता भी आऊगा, पर आऊगा सिर्फ उसे मुंडे दा जिदा असी मंगावांगे। एक काम करना करेगा, तुसी काम तो दसो पहला। ओ नहीं जी नहीं, एक काम नहीं होना मेरे तो। तू कोई स्कूल जान वाला जवाक तो रहा नहीं, आ किन्ने कमा लेना थिएटर दे ड्रामे चो। तुसी किन्ने दोगे? आ तेरी थिएटर दी कमाई नालों तो बहुत ज्यादा नहीं, पर एक गल दा ध्यान रखी, किसी नु शक नहीं होना चाहिए, काम चज नाल करी। इन्ने नहीं बाकी कम होन तो बाद। कम की तो टेंशन ही ना लो आंटी जी, एडा भी माड़ा एक्टर नहीं मैं। मेरी प्रोफाइल नू इन्नी छेती लाइक भी करन लग पे लोग। हेलो मम्मी, इन्होंने कल नू बुलाया मनदीप ने, तुसी सारा कुछ समझा दिता है ना उन्हों? हाँ हाँ चंगी तरह समझाता। चंगा तो मेनू भी बहुत लग्या जी, ऐदा लग्या जिवें मैं अपने परिवार दे विच बैठा हुंना। कोई गलती हो गई होवे तां अपना समझ के माफ कर दियो जी मेनू। अज तां मनदीप ने सारिया दा दिल जित लिया मम्मी जी, मंत्री साहब तां मुरीद होए पए ने उहदे। हुण जदों अगली मुलाकात मनदीप दिखाऊ अपना असली रंग, पैसे ते जायदाद दी गल करू, फिर उत्थे बणूंगी मैं बिचारी भाजपा परिवार दे सामने। फिर ता मंत्री साहब कोल कोई रस्ता ही नहीं बचना, उन्हां नूं मेरे होण वाले बच्चे दे नाल जायदाद लाउण दा वादा करना ही पैणा है।